Hello, Assalamu alaikum. Today we will talk about HTML with some new topics. Okay. In the last topic, we discussed about the paragraphs, the headings, and the unordered list and the ordered list. Okay. So let's say, for example, today we will start from the anchor links. Okay. How can we define the links in a HTML? Okay. So I am giving the title here. Tutorial dash 2. Okay, control is saving my file और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि ब्राउज़र में किस तरह से टाइटल हमें दिख रहा है क्या और क्या हो रहा है. ठीक है, तो ट्यूटोरियल डैश 2 ओके ये आ चुकी हैं. अगर ठीक है, मैं क्योंकि प्रेफर करता हूँ कि मैं गूगल क्रोम यूज़ करूँ, तो मैं इसको यहाँ से इसी लिंक को मैं वहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज जो है बाय डिफॉल्ट ब्राउज़र ओपन होता है, तो मैं गूगल क्रोम में ही ओपन करूँगा. ठीक है, सो लेट्स ओपन नाउ. इट लुक्स नाउ कंट्रोल वी. ओके, सो कमिंग अप हियर. ओके, नाउ सो लेट्स टॉक अबाउट द एंकर लिंक्स इन HTML. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव द लिंक to any text or to anything. So सबसे पहले आपको लिखना है a tag, and ये a tag close हो चुका है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ click me. okay, click me, save करता हूँ. तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है या नहीं. तो अभी आप देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पर अप्लाई हुआ नहीं है, कोई लिंक यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा. लिंक बेसिकली है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गूगल की साइट ओपन करता हूँ, एंड जस्ट सी हियर, ये देख रहे हैं आप गूगल पे से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया पेज या नई कोई चीज़ ओपन हो जाएगी. यानी गूगल सर्च पे क्लिक करा या उर्दू पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ आ रहा है, थंब लाइक सिंबल इज अपीयरिंग अप हियर, और एक नया पेज ओपन हो रहा है. या मैं कोई और वेबसाइट ओपन करता हूँ, freakinfo.com जो एग्जाम्पल के तौर पर. जहाँ पर हम मैचेस के बारे में, क्रिकेट मैचेस के बारे में हम अपडेट्स वगैरह अक्सर देख रहे होते हैं. तो फॉर एग्जांपल ये एक लिंक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यू विल सी डेट अप न्यू पेज विल अपीयर. ओके, तो दिस इज दीज आर द लिंक्स. ओके, कि हम उस पर क्लिक करें और हमें एक नई जगह पर ले जाए. जैसे ये आर्टिकल है, इस पर क्लिक करता हूँ तो एक नया पेज ओपन हो गया. तो लिंक हम इस तरह से HTML में किस तरह से लिखना है या किस तरह देना है. तो अभी यहाँ लिंक अप्लाई हुआ नहीं है और मैं यहाँ पे अब मैं आऊँगा एंकर टैग जहाँ पे हमने ओपन किया था, वहाँ पे मैं लिखता हूँ href, और जो मुझे लिंक देना है https://www, और जो भी मुझे वेबसाइट देनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ यहाँ पे google.com. Save this file, going to the browser, and let's see. Now I will click on this and you will see that a new page has been opened. So ये एक लिंक अप्लाई करने का तरीका है कि हम किस तरह से लिंक्स को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर एक चीज़ और है इसका एट्रीब्यूट एंकर का टारगेट. ओके, वॉट दिस विल डू _blank. अभी क्या हुआ है, जो अभी हमने पहला वाला लिंक ओपन किया तो हमें जैसे अगर अभी देखते हैं, अभी अगर मैं क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है. ठीक है, तो ये आप देखते हैं एक नई विंडो ओपन हो गई है, और यानी इस क्लिक पे लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो नई विंडोज ओपन हो गई है. अगेन अदर नई विंडो विल ओपन और हमारा पेज अपनी जगह पर मौजूद है. जबकि अगर मैं यहाँ पर इफ आई रिमूव दिस टारगेट फ्रॉम हेयर वॉट इट विल डू कंट्रोल एस सेविंग दिस फाइल गोइंग बैक टू द ब्राउज़र, तो ये क्या करेगा, इसी पेज में ओपन कर देगा. तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिंक अप्लाई करना चाह रहे हो. तो मैं यहाँ पे दोनों तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको दोनों तरीक़ों से अप्लाई कर सको. टारगेट _blank और क्लिक, और मैं इस पर कोई और साइट दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल freakinfo ही दे देता हूँ मैं. आई लाइक to give this URL freakinfo. okay, तो ये तो हमारी छोटी सी बात हो गई इसके बारे में. ठीक है,
अब अगर हम चेक करते हैं कि और क्या चीज़ होती है, ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं लिंक्स में अभी फ़िलहाल इतना ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और इमेजेस की बात कर लेते हैं, हम किस तरह से अपनी वेबसाइट में हम कोई इमेजेस को इंसर्ट करवाना है या करवा सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कि यहाँ से हम इमेजेस का काम कर देंगे, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ओके। नाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मैं पहले एक चीज़ आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह से है। यानी ये हमारा मेन फोल्डर है HTML, इसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं, ठीक है। IMG का एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने तीन इमेजेस लिए हैं, और तीनों ही JPEG इमेजेस हैं, और इमेज वन, इमेज टू, इमेज थ्री। मेन फोल्डर हमारा HTML का है, उसमें हम गए तो उसमें हमारे पास तीन चार ही हमारे पास HTML, ये .HTML यानी फाइल्स हैं, और ये इमेज का फोल्डर है, ठीक है। अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो उसके अंदर भी हमें फोल्डर का स्ट्रक्चर हमें इसी तरह रखना होगा, ठीक है। यानी HTML का मेन फोल्डर होगा, उसके अंदर IMG का फोल्डर आ जाएगा, यानी इमेजेस या IMG जो भी आप नाम देना चाहें, ठीक है। सो हाउ कैन वी इंसर्ट इमेजेस इन HTML, ओके। तो इमेजेस को अगर हम इंसर्ट कराना चाहेंगे तो हमें क्या काम करना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहले हमें एक काम करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IMG का टैग आएगा हमारे पास, एंड आई विल राइट हियर SRC इक्वल्स टू, ओके लाइट चली गई है, वेट अ सेकेंड, आई एम ओपनिंग माई मोबाइल। ओके तो वेट अ सेकेंड, आई एम जस्ट कीपिंग इट समवेयर सेफ लाइक दिस, सो कि ताकि मुझे भी नज़र आता रहे। ओके, अब यहाँ पर इमेज सोर्स है पहला एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके अंदर हमें डबल कोट्स आ जाएगा और यहाँ पर हम देंगे IMG:// और जैसे ही मैं दूंगा यहाँ पर, मैं आपको फिर बता देता हूँ, IMG:src एट्रीब्यूट है इसका, IMG टैग है, डबल कोट्स में मैं जाऊँगा और लिखूँगा, और ये देखिए हमारे पास IMG, ये हमारे फोल्डर का नेम आ जाएगा स्लैश, और फिर मैं इमेज वन लेना चाहता हूँ तो मैंने लिख दिया यहाँ पे IMG1.jpg, ओके। कंट्रोल इज सेविंग दिस फाइल एंड नाउ आई विल रन इट। तो देख सकते हैं हमारे पास इमेज आ चुका है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, मैं इसको क्या, मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लेता हूँ BR टैग, सो इट विल अपियर इन द नेक्स्ट लाइन। ओके, यू कैन सी हियर व्हाट लाइन, व्हाट BR टैग डज, इट ब्रेक द लाइन सिंपली, ओके। नाउ उससे आगे हम बढ़ते हैं, मैं दूसरा इमेज अगर इंसर्ट करना चाहूँ, मैं यहाँ पे अगेन एक मैं लाइन ब्रेक इस्तेमाल कर लेता हूँ BR टैग, इट इज़ यूज फॉर ब्रेकिंग द लाइन और चेंजिंग द लाइन। अगेन मुझे इमेज लगाना है तो मैं लिखूँगा IMG, उसका एट्रीब्यूट मैं लिख दूंगा SRC यानी कि सोर्स ऑफ द इमेज, इन द डबल कोट्स आई विल राइट IMG:// एंड आई वॉन्ट द सेकेंड इमेज, ओके। सो दिस विल ब्रिंग द सेकेंड इमेज, ओके, यू कैन सी हियर। एंड सिमिलरली आई वॉन्ट टू चेंज अ लाइन हियर, एंड अगेन आई विल राइट हियर IMG:src IMG माई फोल्डर नेम एंड द थर्ड इमेज, ओके। सो दिस वे आई एम इंसर्टिंग द इमेज, ओके। इस तरीके से आप अपनी इमेजेस को इंसर्ट करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो ये एक बेसिक तरीका है, इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ हो सकती है, मगर अभी फ़िलहाल मैं बेसिक टेक्स्ट को कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये आइडिया रहे कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट में इमेजेस को इंसर्ट करवा सकते हैं। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं फॉर्म्स और इनपुट्स की, थोड़ा स्पीड के साथ मैं चलता हूँ। फॉर्म्स कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि जब भी हम वेबसाइट वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे हमने देखा है बहुत सारे फॉर्म्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं, तो हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आई विल राइट हियर फॉर्म, और फिर मैं यहाँ पर ले लूँगा एक, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि दो फील्ड, एक फील्ड पहले मैं रखूँ यहाँ पर लेबल, मैं चाहता हूँ पहले लिखा आए नेम एंड देन आफ्टर द लेबल आई विल राइट हियर, ओके। पहले मैं आपको लिखा हूँ कि इससे होता क्या है, ठीक है। लेबल जब मैंने लिखा तो आपको देखेंगे नज़र आएगा ये नहीं। एक काम करता हूँ, मैं नई फाइल बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा बेहतर हो जाए। लेट्स स्टार्ट द वर्क इन अ न्यू फाइल, ओके।
So I'm creating a new file here. Tutorials 4.html. Okay. I am writing here HTML. और ये हमारा ट्यूटोरियल 4 है. ओके, ट्यूटोरियल नंबर 4. कंट्रोल है, सेविंग इट. नाउ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर्म्स की या कॉन्टैक्ट फॉर्म्स की जो कि हम वेबसाइट से बनाते हैं. तो पहले सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है फॉर्म टैग. उसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, फॉर्म मेथड, फॉर्म एक्शन. वो अगर प्रोग्रामिंग में उसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी फिलहाल, क्योंकि हम सिंपली अभी हम HTML की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं उसको स्किप कर रहा हूँ. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक फील्ड लूँ और उसका नाम मैं रखूँ नेम. ओके, तो सबसे पहले हम लेंगे लेबल एंड आई विल राइट हियर नेम. ओके, वेट अ सेकंड, जस्ट सी हियर, कंट्रोल एस, आई हैव टेकन अ फील्ड नेम. आई विल रन दिस फाइल, ओपन विद लाइव सर्वर. और ये हमारे पास जो है ओपन होगा, मेरे पास क्योंकि बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन होता है तो उसके अंदर ही ओपन होगा. तो पहले मैं उसको ज़रा देख लेता हूँ. सिंपली मैं ये भी कर सकता हूँ, कंट्रोल सी, वेट अ सेकंड, इट इज़ नॉट ओपन येट. ओके, ओपन विद लाइव सर्वर. क्या हो गया सर? ओके, तो ये हमारा इसका URL आ जाएगा. कंट्रोल सी, और मैं इसको ओपन करूँगा गूगल क्रोम में. ठीक है, क्योंकि गूगल क्रोम में मेरे काफ़ी ज़्यादा आसानी है, और इसके अंदर इंस्पेक्ट एलिमेंट आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ भी हमें वहाँ मिल जाती हैं. ओके, तो यार मैंने फाइल स्टॉप करी है शायद. अलाउ एक्सेस. ओके ओके, तो आप देख सकते हैं कि नेम कैप्शन यहाँ पे आ चुका है. अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स भी इसके आगे लूँ, तो मैं तो हम वो टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो आई विल हैव टू राइट हियर इनपुट टाइप, और मैं इसकी टाइप डिफाइन करूँगा टेक्स्ट, और फिर उसके अंदर नेम भी मुझे लेना पड़ेगा उस टेक्स्ट बॉक्स का. तो मैं नाम ले लूँगा उसका नेम, या फर्स्ट नेम, या फादर नेम, या फर्स्ट नेम, एफ अंडरस्कोर नेम. और उसके बाद हम आईडी भी देनी पड़ेगी हमें एक. अभी मैं आईडी नहीं दे रहा था, कि एक मिनट आपको दिखा दूँ कि इससे हो क्या रहा है पहले. ठीक है, तो अगर आप ब्राउज़र में जाएंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो चुका है. ठीक है, तो इस तरीके से हम एक टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं. अब मैं चाह रहा हूँ कि अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा. नेम पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा कर्सर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नहीं आ रहा. ठीक है, तो खाली नेम, यानी जब मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक कर रहा हूँ तो ही जो है कर्सर वो अंदर आ रहा है. तो नॉर्मली होता क्या है कि वेबसाइट पर अगर आप इस कैप्शन पर क्लिक करें या इस लेवल पर, तो आपका कर्सर यहाँ प्लेस कर देता है. ठीक है, तो उसके लिए हमें एक काम करना पड़ता है. यहाँ पर हम देंगे यहाँ पर लेवल, और मैं यहाँ पर दे दूँगा एक आईडी इक्वल्स टू एफ नेम. और जो गलती मैं लेबल के अंदर हमें लेना पड़ता है एट्रीब्यूट फॉर का. ठीक है, फॉर, और उसको लिंक करना पड़ता है इनपुट टाइप में हमें आईडी से. ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूंगा आईडी इक्वल्स टू एफ नेम. ओके, सो व्हाट इट विल डू, इट विल लिंक बोथ दीज थिंग्स, अ कैप्शन टू द विद द टेक्स्ट बॉक्स. रिफ्रेश इट. नाउ यू कैन सी इफ आई विल क्लिक ऑन दिस नेम, इट विल प्लेस द कर्सर इनसाइड दिस टेक्स्ट बॉक्स. ओके, सो ये एक सिंपल सी चीज़ है. अब मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक करता हूँ, और मैं एक और लेबल बनाता हूँ, लेबल फॉर ईमेल. ओके, सो लेट्स सी हियर, कमिंग अप हियर, एंड नाउ आई एम टेकिंग इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल. और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसका, इस इनपुट का नेम मैं ले लेता हूँ ईमेल ही ले लेता हूँ. ठीक है, हमें हर फील्ड का या हर टेक्स्ट बॉक्स का नेम भी लेना पड़ेगा, और फिर इसके बाद इसकी आईडी लूँगा मैं, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल.
और मैं इसको लेबल के अंदर जो है फॉर एट्रीब्यूट के अंदर मैं वही वैल्यू दूंगा जो मैंने आईडी के अंदर दी है, ठीक है? सो दिस थिंग यू शुड रिमेंबर, ओके? कंट्रोल एस सेविंग माई फाइल एंड नाउ गोइंग टू द ब्राउजर, ओके? सो यू कैन सी हियर दैट ईमेल हैज़ बीन अपीयर्ड, और ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोजर आ रही हैं, तो एक काम करते हैं कि मैं लाइन ब्रेक कर लेता हूँ यहाँ पे, बी आर टैग another VR tag here I'm using so to create more distance, okay? अगर मैं यहाँ पे बटन बनाना चाहूँ तो किस तरह बनाऊँगा, ठीक है? सिंपली आई विल अगेन आई विल कॉपी दीज टू VR tags फ्रॉम हेयर एंड आई विल पेस्ट हेयर सो इट विल क्रिएट सम स्पेस, ओके? सो थिंग्स विल नॉट स्टिक गेट स्टिक टू ईच अदर, ओके? आई विल टेक हेयर इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट and I will give the value here, it will be and जो value आप उस बटन पर दिखाना चाह रहे हैं वो आप वैल्यू के अंदर लिखेंगे, या जो टेक्स्ट आप उस बटन पर दिखाना चाह रहे हैं वो इस वैल्यू में लिखेंगे. सो यू विल सी हेयर, ओके? सो बटन हैज़ बीन क्रिएटेड. मैं अगर रेडियो बटन बनाना चाहूँ तो वो भी हम क्रिएट करते हैं. आइए इनपुट, वेट अ सेकंड, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, नेम इक्वल्स टू जेंडर. रेडियो बटन जो आपस में लिंक्ड अप होते हैं विद द सेम नेम, ओके? इसकी फिर वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, वैल्यू इक्वल्स टू बॉय और गर्ल, मेल, सॉरी मैं दे देता हूँ मेल, और यहाँ पर उसका टेक्स्ट आ जाएगा बॉय, ओके? तो ये इनपुट टाइप क्रिएट हम कर रहे हैं रेडियो बटन की. कंट्रोल जेड, कंट्रोल I am copying this one and creating another radio button, okay? Control V, and now I will give the value here girl, okay? And I will write here simply GIRL. Now we will go to the browser and you will see that radio buttons has been created, and in at one time it is only one radio button will be selected, okay? ओके, तो यहाँ पर हम बी आर टैग हम दे देते हैं, बी आर, दो बी आर हम दे देते हैं ताकि स्पेस थोड़ी ज़्यादा हो जाए. कंट्रोल एस सेविंग दिस फाइल, गोइंग बैक टू द ब्राउज़र, ओके? एक मैसेज बॉक्स हम क्रिएट करते हैं तो हमारा फॉर्म तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा. लेबल मैं यहाँ पे इसका कैप्शन दे रहा हूँ, मैसेज, लीव योर मैसेज. मैसेज बॉक्स नॉर्मली वेबसाइट में आपने देखे होंगे, और उसके लिए हमें लेना पड़ता है टेक्स्ट एरिया, ठीक है? उसकी टेक्स्ट एरिया के थ्रू हम मैसेज बॉक्स बना सकते हैं. उसके अंदर इसकी लेबल, इसका नाम आ जाएगा नेम इक्वल्स टू मैसेज, और फॉर के अंदर क्योंकि हमें मैं इसकी दे रहा हूँ आई डी, फॉर के अंदर फॉर और एट्रीब्यूट हमारा सेम होना चाहिए, एम अंडर स्कोर बॉक्स. I am writing here id m underscore box and now see how it looks. अभी कुछ अच्छा सा नज़र नहीं आएगा हमें, ठीक है? तो यहाँ पर मैं पहले तो लाइन ब्रेक यूज़ कर लेते हैं, br कंट्रोल एस. अब हमें इसकी विड्थ और लेंथ देनी है, तो यानी रो, नंबर ऑफ रोज और कॉलम दूंगा. रोज दूंगा मैं यहाँ पे 5, तो इसकी थोड़ी सी देखेंगे आप कि इसकी जो हाइट है वो बढ़ गई है, और मैं इसकी जब कॉलम दूंगा नंबर ऑफ कॉलम्स, सो इट विल क्रिएट सम कॉलम्स हियर, कॉलम्स इक्वल्स टू 20, ओके? 20 it is not working, what happens? Columns rows and columns. Wait a second, I think I have written something wrong here. Columns, I think the spelling should be corrected or something. 25. Okay, it is not working. Let's see. Number of rows equal to 5. I am giving the value here, calls
equals to 30. Saving it and now run it. So आप देख सकते हैं कि नंबर कॉलम लेने के बाद इसकी width में भी इजाफा हो गया, ठीक है। तो ये एक फॉर्म को हम किस तरह से बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो ये यहाँ हम ऐड अप कर सकते हैं उसके क्या क्या एक्टिव्यूट हो सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर चेकबॉक्स भी दे सकता हूँ, तो मैं एक वो भी कर लेता हूँ, ठीक है। इनपुट टाइम चेकबॉक्स, ओके, मैं उसका नेम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे चेकबॉक्स पे तीन एट्रीब्यूट दे देता हूँ, नेम इक्वल्स टू टी और लाइक्स के नाम से बना देता हूँ कि नेम कि हम मैं चेकबॉक्स दे रहा हूँ कि क्या क्या यूज़र के लाइक्स हैं, ठीक है, क्या क्या वो तो पहला मैं दे देता हूँ यानी कौन कौन से जूस वो पीना पसंद करता है, क्या ड्रिंक्स उसको पसंद है, तो मैं देता हूँ एक टी, ओके, मोस्टली पीपल लाइक टू ड्रिंक टी, तो यहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी टी। कंट्रोल है, सेव इट। और चेकबॉक्स के अंदर ये होता है कि मल्टीपल चीज़ों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जबकि रेडियो में बटन में हम सिर्फ किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, तो दिस इज़ द डिफरेंस विच वी नीड टू रिमेंबर। ओके, तो यहाँ हमारे पास तीन चेकबॉक्स बन गए टी, तो इन तीनों के मैं कैप्शन चेंज करता हूँ और तो चेकबॉक्स ही हमारा कम्प्लीट हो जाएगा। मैं इसको दे देता हूँ कॉफ़ी एंड दिस वन जूस। सिमिलरली आपको वैल्यूज भी चेंज करनी पड़ती हैं, सी ओ डबल एफ डबल ई और जे यू आई सी सब, ओके। सो उसको रन कर सकते हैं, लेट्स सी हाउ इट लुक्स, ओके, इट लुक्स बैड है। तो ये फॉर्म के अंदर अच्छा मैंने अभी आर नहीं लगाया, सो दैट्स व्हाई इट इज़ लुकिंग वेरी ऑड, ओके। तो यहाँ पे मैं बी आर टैग भी लगा लेता हूँ कुछ, ओके। तो बी आर टैग लगाने के बाद अभी कुछ इस तरह से नज़र आएगा, हम देख लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है, तो इस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर हम एक अच्छा सा फॉर्म बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम क्योंकि सी एस एस हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो फिलहाल अभी हम उस चीज़ों को यहाँ पर कंसिडर भी नहीं करेंगे, क्योंकि सी एस एस अभी कुछ हमारे एच टी एम एल के टैग्स होंगे, उसके बाद हम सी एस एस की जानब मूव करेंगे, ओके। एंड इट विल हेल्प अस, इट विल हेल्प अस टू क्रिएट गुड फॉर्म्स, प्रीटी फॉर्म्स इन आवर वेबसाइट, ओके। तो वहाँ पर हम जब सी एस एस और एच टी एम एल को कम्बाइन करेंगे तो हमारे पास जो एक ओवरऑल लुक जो है काफ़ी बेटर आएगी, ओके। सो आपको आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको हेल्प आउट करेगा, और आप अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को, या जो भी आपके जानने वाले हैं उनको भी इसके साथ भी शेयर कर सकते हैं, या जो लोग भी वेब डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं या वेब डेवलपर पर बनना चाहते हैं, तो दीज आर द फर्स्ट स्टेप्स और फर्स्ट इनिशियल थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर, ओके। आई होप इट विल हेल्प यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, और उसके अंदर कुछ नई चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ओके। टिल देन अल्लाह हाफिज़। आई एम स्टॉपिंग माई रिकॉर्डिंग हियर।